हेलो एवरीवन, अब वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेवेंथ क्लास बुक सिक्स चैप्टर. द बुक नेम इज़ वी एन आर पीपल एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सिटीज ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पीपल. ओके, सिटीज शहर, ट्रेडर्स जो व्यापारी थे एंड क्राफ्ट पीपल जो कि क्राफ्ट बनाते थे. ओके, तो मिडिवल इंडियन पीरियड वॉज कैरेक्टराइज बाई प्रॉस्पेरिटी एंड फ्लॉरिशिंग ट्रेड. ओके, प्रॉस्पेरिटी मतलब उन्नति और फ्लरिशिंग मतलब बहुत ज़्यादा व्यापार था एंड कॉमर्स, बहुत कॉमर्स और ट्रेड पैरेलली चल रहे थे. द दिल्ली सुल्तान्स एंड द मुगल रूलर इंट्रोड्यूस मैनी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज. जो दिल्ली के सुल्तान थे और जो मुगल रूलर्स थे, उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई जो व्यापार में हेल्प करें और अब उनका जो व्यापार है और भी सही हो. विच हेल्प ट्रेडर्स एंड द आर्टिशंस टू फ्लरिश. जिसके कारण क्या हुआ, ट्रेडर्स जो व्यापारी थे और आर्टिशंस थे दूसरे कंट्रीज से, देशों से इंडिया में आए. द मुगल सपोर्टेड ट्रेडिंग एक्टिविटीज एंड मेड इट ईजियर फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड ट्रेड. जो मुगल ने था, मुगल ने क्या किया, सपोर्ट किया जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ थी, एक से एक जगह से दूसरी जगह सामान लाना, वो सपोर्ट किया एंड मेक इट ईजियर फॉर द मूवमेंट ऑफ ट्रेडर्स. मतलब जो मूवमेंट होता था, लोग आ जा सकते थे, ट्रेड कर सकते थे, गुड्स ट्रांसफ़र कर सकते थे, एट्सेट्रा. दिस इज इन टर्न लेड टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेड इन इंडिया. इसके कारण क्या हुआ, ट्रेड बहुत बढ़ने लगा इंडिया में ड्यूरिंग दिस पीरियड. दिस कैन वन कैन ऑल्सो द विटनेस द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट टाउन्स विद द स्पेसिफिक फंक्शंस. बहुत सारे टाउन्स भी आने लगे ताकि जो जिस एरिया में सही थे ट्रेडिंग में, पोर्ट्स वगैरह जहाँ से लोग आते थे, तो टाउन्स भी बहुत सारे डेवलप होने लगे. ठीक है, वी विल स्टडी अबाउट दिस इन दिस चैप्टर. हम इसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे. दीज सोर्सेज फॉर दिस पीरियड इंक्लूड द अकाउंट्स ऑफ फॉरन ट्रैवलर्स हु केम टू इंडिया. अब हम इसके बारे में कहाँ से पता चलता है, सोर्सेज मिलते हैं. अलबरूनी, इब्न बतूता, 500 बार पढ़ चुके हैं ये दो नाम, आर टू इम्पॉर्टेंट वंस. इब्न बतूता अकाउंट्स डिस्क्राइबिंग द इंडियन सिटीज डेट टू 14th century. इब्न बतूता जब आया था मिडिवल पीरियड में आया था, मध्यकालीन समय में, और 14th century के अकाउंट्स लिखता है. ही केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे वो इंडिया आया था. ओके, एंड हिस्टोरियंस बिलीव दैट ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड ऑलमोस्ट 15% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन लिव्ड इन द सिटीज एंड टाउन्स. तो मिडिवल पीरियड में क्या था, 15% इंडिया की जो जनसंख्या थी वो कहाँ पे रहती थी, सिटीज और टाउन में रहती थी. ओनली 15%, मतलब 75% गाँव में रहती थी, रूरल एरियाज़ में. विल नाउ स्टडी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्बन सेंटर द एग्जिस्ट इन द सब कॉन्टिनेंट. अब हम उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाउन्स, अर्बन सेंटर के बारे में बात करेंगे, कस्बों के बारे में बात करेंगे जो उस टाइम पे सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया में थे. ठीक है, कॉन्टिनेंट का भाग को सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं. तो टाइप ऑफ अर्बन सेंटर्स, द रीज़न फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टाउन इन द मिडिवल पीरियड कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन इट परफॉर्म्ड. तो टाउन किस लिए डेवलप हो गया, पहला रीज़न हो सकता है कि जो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है. जैसे हमारे स्कूल में टीचर होता है, वो पढ़ाता है, प्रिंसिपल होता है, पूरा कारोबार देखता है स्कूल का. तो स्पेशल फंक्शन की वजह से टाउन्स आने लगे. कोई कुछ प्रोड्यूस करता था, जैसे गुजरात में सी के किनारे था तो मैरीटाइम ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ा. तो जहाँ जो जो चीज़ें होती थी उस हिसाब से वहाँ पर ट्रेड बढ़ने लगा. ओके, मोर ओवर डिफरेंट प्लेसेस हैड डिफरेंट स्पेशल एंड सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स. और हर जगह पे अलग अलग इकोनॉमिक फैक्टर्स था. जहाँ पे ज़्यादा अच्छी मिट्टी थी, जैसे नॉर्थ में, वहाँ पे अलेबल प्लेन्स हैं तो वहाँ पे इकोनॉमी ज़्यादा अच्छी होगी, सोशल नॉर्म्स अलग थी, उस हिसाब से टाउन्स डेवलप होने लगे. विच लेड टू द ग्रोथ ऑफ द अर्बन सेंटर्स. जिसकी वजह से अर्बन सेंटर्स की ग्रोथ हुई. दस द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन वॉज डिफरेंट इन डिफरेंट रीजन्स. और जो अर्बनाइजेशन की मतलब है, जो मतलब अर्बनाइजेशन का क्या मतलब है, अर्बन कोई एरिया है, ठीक है, अगर उसको पूरी तरीके से सिटी टाइप का बना दिया जाए उसे अर्बनाइजेशन कहते हैं. हर गुड्स प्रोडक्ट आ जाए और लोगों की ज़रूरतें पूरी हो तो अर्बनाइजेशन कहलाता है. ओके, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स. टाउन्स विच सर्व्ड एज द कैपिटल सिटीज यूजली डेवलप्ड इनटू द सेंटर्स ऑफ द पावर एंड एडमिनिस्ट्रेशन. जो कैपिटल सिटीज़ बनते थे टाउन में, जैसे हमारी लखनऊ है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, भारत की दिल्ली है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब वहाँ पे शासन कंट्रोल होगा, वहीं पे PM रहता है, तो वो उसमें ज़्यादा पावर होगी, दिल्ली में ज़्यादा पावर है. ठीक है, दीज टाउन्स वर वेल फोर्टिफाइड एंड वर इक्वली कनेक्टेड विद अदर अर्बन सेंटर्स. बहुत अच्छे से फोर्टिफाइड थे और अच्छे से हर जगह से कनेक्टेड थे, हर जगह की खबर रहती थी. दे रिसीव्ड रॉयल पैट्रोनेज एंड वर सेंटर्स ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज सच एज पोएट्री एंड पेंटिंग. रॉयल पैट्रोनेज मिलता था उन्हें, ठीक है,
और पोएट्री और पेंटिंग यहीं पे बनते थे, तो सेंटर था एक तरीके का जहाँ पे हर चीज़ होती थी। दिल्ली आगरा हम्पी एंड कन्नौज वर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। दिल्ली आगरा हम्पी और कन्नौज ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव शासन के सेंटर थे जो कि कैपिटल भी बने बहुत टाइम के लिए। ओके, टेम्पल एंड द पिलग्रिमेज सेंटर्स, मेनी टाउन्स विद रिलीजियस सिग्निफिकेंस डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ द रेगुलर पैटर्नेज रूरल डिवोटीज एंड पिलग्रिम्स। और कुछ रिलीजियस जैसे मंदिर है कोई, वहाँ पर ज़्यादा लोग विजिट करने आने लगे, पूजा करने आने लगे, तो वो भी एक सेंटर बन गया जहाँ पर लोग आने लगे, और पावर का सेंटर। उसके आस पास भी बहुत सारी सिटीज़ बन गए टेम्पल के आस पास, या कोई बिल्डिंग है एडमिनिस्ट्रेशन की, उसके आस पास टाउन्स डेवलप होने लगे। ओके, जैसे डिवोटीज हैं, भक्त हैं और पिलग्रिम्स हैं, पूजा करने आते थे इस कारण। ओके, दीज ग्रेजुअली बिकेम टेम्पल्स, टाउन्स एंड द पिलग्रिमेज सेंटर। और ये जो छोटे छोटे एरियाज थे क्या क्या बन गए, जैसे मक्का मदीना है यार, वो मुस्लिम्स का बहुत ही पिलग्रिमेज सेंटर है जहाँ पे वो पूजा करने जाते हैं। ओके, तो टेम्पल्स टाउन्स वहाँ पे बनने लगे। ओके, ये सोमनाथ टेम्पल का एक पिक्चर दिया हुआ है। सोमनाथ टेम्पल कहाँ पे है? आई गेस गुजरात में है सोमनाथ। और इम्पॉर्टेंट टाउन्स इंक्लूड तंजावुर, मदुरई, तिरुपति एंड सोमनाथ। ये कुछ टेम्पल्स हैं जो कि रिलीजियस सेंटर बन गए। ऑन द अदर हैंड टाउन्स सच एज बेनार, नासिक, काशी, श्रीरंगम, मथुरा, अजमेर डेवलप्ड एज अ पिलग्रिमेज सेंटर। तो ये जो जगहें थी वो पिलग्रिमेज का सेंटर बन गई, लोग दूर दूर से आते थे। मथुरा में, वृंदावन में आज भी लोग जाते हैं छुट्टियां मनाने या फिर कभी कभी भगवान के दर्शन करने। इन ऑल दीज टाउन्स द टेम्पल्स इन्फ्लुएंस द सोसाइटी एंड द इकोनॉमी टू द ग्रेट एक्सटेंट। और इसकी वजह से क्या हुआ, लोग आते थे, कुछ चढ़ावा दे के जाते थे, तो इसकी सोसाइटी मतलब लोग पूजावादी बन गए, भगवान पर विश्वास करने लगे, इकोनॉमी बहुत बढ़ने लगी, लोग आने लगे, इसलिए टिकट्स खरीदते थे टेम्पल में जाने के लिए। अक्षरधाम टेम्पल जो दिल्ली में है उसमें पता नहीं रोज कितना कलेक्ट हो जाता है, तो इस तरीके से इकोनॉमी बढ़ने लगी। समटाइम्स पिलग्रिमेज सेंटर्स ऑफ अ पर्टिकुलर फेथ डेवलप इन देयर ओन कल्चर। ओके, पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ अ पर्टिकुलर फेथ डेवलप देयर ओन कल्चर। और अगर जैसे कोई पिलग्रिमेज सेंटर है वहाँ उसके आसपास एक अगर किसी चीज़ का वो विश्वास करते हैं तो उसका भी सेंटर बनने लगा। ओके, एंड द एग्जाम्पल ऑफ दीज आर जैन सेंटर्स ऑफ पिलग्रिमेज इन गुजरात एंड राजस्थान। तो जैन सेंटर्स ऑफ राजस्थान और गुजरात में एग्जाम्पल लिख सकते हैं। सेंटर ऑफ ट्रेड एंड द कॉमर्स, अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ द अर्बन सेंटर्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द फ्लरिशिंग ट्रेड एंड कॉमर्स। और पिलग्रिमेज सेंटर किस वजह से बने, ये जो ट्रेड और कॉमर्स बहुत ज़्यादा था इसलिए। दिस टाउन्स इनिशियली केम अप एज अ लार्ज विलेज वेयर वीकली मार्केट्स एंड द फेयर्स वर हेल्ड। तो ये जो टाउन्स थे वो टाउन्स बिल्कुल एक मतलब जो टाउन्स थे वो थोड़े धीरे धीरे डेवलप हुए। ओके, जैसे पहले ये वीकली टाउन्स बन गए जहाँ पे मार्केट लगने लगे और जहाँ पे मेले लगते थे, एंड फिर जब टाइम बढ़ता गया दे अट्रैक्टेड डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टिशंस, तो वहाँ पे मेले लगते गए, फिर लोग अट्रैक्ट होते गए, क्राफ्ट पीपल एंड ट्रेडर्स आने लगे, एंड देयर बाई बिकमिंग इम्पोर्टेंट रीजनल ट्रेड सेंटर्स। और छोटे छोटे ट्रेड ये चीज़ जगह जो थी वो बढ़ के रीजनल ट्रेड सेंटर बनने लगी। बोथ बनारस एंड मथुरा डेवलप्ड एंड ट्रेड सेंटर्स एंड वर लोकेटेड ऑन द ट्रेड रूट्स अलॉन्ग द रिवर्स गंगा एंड यमुना रिस्पेक्टिवली। तो पहले के ज़माने में क्या होता था, मैरी टाइम ट्रेड मतलब जो ट्रेड होता था वो सी के थ्रू होता था, ठीक है, वाटर में होता था, कि रेलवेज तो डेवलप हुई नहीं थी। तो जो मथुरा और ये बनारस है ये किनारे किसके, गंगा और यमुना के, तो ये दोनों भी रिलीजियस सेंटर्स बनने लगे। ओके ओके, एंड वी विल द ग्रोथ ऑफ मर्चेंट क्लास कैन बी एट्रीब्यूटेड एज द रीजन ऑफ द ग्रोथ ऑफ कॉमर्स इन राजस्थान। मर्चेंट क्लास जो थी वो ग्रोथ होने लगी उसकी, जिसकी वजह से राजस्थान में भी कॉमर्स बढ़ने लगी। मर्चेंट क्लास बढ़ी मतलब व्यापारी बढ़े तो कॉमर्स भी बढ़ने लगी। पाली एंड बयान वर द सच टाउन्स, पाली एंड बयान एग्जाम्पल्स हैं। राजस्थान सर्व एज द एसेंशियल लिंक बिटवीन द गुजरात, सेंट्रल इंडिया एंड द गंगेटिक वैली। ये तीनों का एक लिंक था, सेंटर था, एंड ट्रेडिंग टाउन्स ऑल्सो डेवलप, ट्रेडिंग टाउन्स भी डेवलप होने लगे, एंड एट इंटरसेक्शंस ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट। ओके, जहाँ पे जैसे कोई एक दो टाउन्स को जो जोड़ता है ट्रेड रूट, उसके आसपास भी टाउन्स बढ़ने लगे। ओके, सर्टेन टाउन्स विच स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक क्राफ्ट ऑल्सो मर्ज एज अ कमर्शियल सेंटर्स। और कुछ टाउन्स जो कि स्पेशल क्राफ्ट प्रोड्यूस करते थे या फिर कुछ क्राफ्ट वगैरह प्रोड्यूस करते थे, वो भी एक कमर्शियल सेंटर बन गए।
बीइंग हब्स ऑफ द प्रोडक्शन दे अट्रैक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ क्लास पर्सन एंड ट्रेडर्स। हब मतलब एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग उस चीज़ का ज़्यादातर व्यापार होता हो, उसकी वजह से क्या होगा, क्राफ्ट पीपल और ट्रेडर्स उस जगह पे आने लगे। एग्जाम्पल ऑफ सच टाउन्स इंक्लूड बनारस, कांचीपुरम एंड खैराबाद, ऑल ऑफ दिस एसेंशियल इन द प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल। तो क्राफ्ट क्या प्रोड्यूस होता था इन जगहों पर, बनारस कांचीपुरम वगैरह में टेक्सटाइल होता था, इसीलिए बहुत सारे लोग इसकी वजह से आने लगे इस जगह पे। ओके, पोर्ट टाउन्स क्या होते हैं, द पोर्ट टाउन्स बिकेम प्रॉस्परस ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनिंग टू द इंक्रीज इन द ट्रेड विद द साउथ ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया। पोर्ट बना के टाउन्स, पोर्ट है एक, जैसे एयरपोर्ट है, सी पोर्ट है, पोर्ट टाउन्स वहाँ बनने लगे, जहाँ पे पोर्ट होते थे वहाँ पे टाउन बनने लगे। जैसे साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया से हमारा इंडिया का ट्रेड बढ़ने लगा उसी हिसाब से। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्ट ट्रेड वर कैम्बे, सूरत, गोवा, कोचिन एंड मसूलीपट्टनम। ज़्यादातर साउथ में होते थे क्योंकि जो बे ऑफ बंगाल, अब अरेबियन सी था साउथ में, और अरेबियन सी से पानी जो ट्रेड रूट थी वो बढ़ के दूसरे देशों तक हमें एक्सेस होता था हमारी इंडिया का दूसरे देशों से। एंड दीज पोर्ट फैसिलिटेटेड इंडियाज मैरीटाइम ट्रेड। मैरीटाइम में सी ट्रेड का मतलब है सी से ट्रेड जो होता था वो उसको इजी बनाया इन्होंने। अब हम पढ़ते हैं फाउंडेड टाउन्स के बारे में। दीज आर टाउन विच हैड बीन फाउंड बाय रूलर्स, पावरफुल नोबल्स एंड द ऑफिशियल, जो कि रूलर्स और पावरफुल नोबल्स के द्वारा फाउंड किए गए हैं। सम एग्जांपल्स आर फतेहपुर सीकरी, हैदराबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद एंड दी शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद, फतेहपुर सीकरी हमने पढ़ा था कि मिडिवल इंडिया में ही ये टाउन्स बनाए गए थे। ओके, अकबर फाउंडेड द सिटी ऑफ फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी में हमने अभी पढ़ा था, एंड ओनर ऑफ द सूफी सेंट्स सलीम चिश्ती। किस लिए बनाई थी ये, फाउंड की थी ताकि वो जो सूफी सेंट है सलीम चिश्ती उनके ओनर में, ओके, मतलब उन्हें ऊपर दिखाने के लिए, उनके लिए बनाई थी ये फतेहपुर सीकरी। ओके, एंड ऑल्सो द कमेमोरेट हिज विक्ट्री ओवर गुजरात, सुल्तान मोहम्मद कुदवशाह लेड द फाउंडेशन ऑफ हैदराबाद। और जो वो था, मतलब अपनी जो सुल्तान था मोहम्मद कुली, उसने अपनी विक्ट्री दिखाने के लिए हैदराबाद पे, अपनी विक्ट्री दिखाने के लिए गुजरात पे उसने अपनी विक्ट्री हासिल की, जीत हासिल की और हैदराबाद फाउंड किया। बिकॉज गोलकोंडा हैड बिकम ओवरक्राउडेड, गोलकोंडा जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड हो गया था, इसलिए उसने गुजरात पे अपनी जीत हासिल की और हैदराबाद की एक सिटी बनाई। ओके, एंड शाहजहानाबाद और नदारा हैंड वॉज बिल्ट एज अ सिंबल ऑफ पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द मुगल एम्पायर। और जो शाहजहानाबाद था वो किस लिए बनाया था, अपनी पावर और प्रेस्टीज, अपना रुतबा दिखाने के लिए मुगल एम्पायर में बनाया गया था। इट इन द 77th सेंचुरी ऑफ द दिल्ली, इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना, चांदनी चौक एंड द जामा मस्जिद लोकेटेड एट द प्रेजेंट ओल्ड दिल्ली आर टू। तो दिल्ली में क्या है, दिल्ली जो कहाँ है, रिवर जो यमुना है उसके किनारे पर बसी हुई है, चांदनी चौक और जामा मस्जिद है, पुरानी दिल्ली में है ये दोनों। ओके, दिल्ली में जाना कभी, यू विल गेट इट। इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ शाहजहानाबाद, ये जो है दो जामा मस्जिद, वो क्या है, एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है शाहजहानाबाद में है। द रेड फोर्ट एंड द लाल किला इज़ अ मैग्निफिकेंट प्लेस वेयर सर्व्ड एज अ रॉयल रेसिडेंस। जो लाल किला है और वो है रेड फोर्ट, वहाँ पे लोग जो रॉयल रेसिडेंस, मतलब जो खानदानी रॉयल लोग रहते थे। मैनी नोबल फैमिलीज, हाई रैंकिंग ऑफिशियल, प्रॉस्पर मर्चेंट एंड द ट्रेडर्स, रिनोट पोर्ट्स, म्यूजिशियन एंड पोएट्स लिव्ड इन द सिटी। तो शाहजहानाबाद में ये भी रहते थे, नोबल फैमिलीज, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, जो बहुत ज़्यादा अमीर थे वही रह सकते थे। ओके, एंड ये जामा मस्जिद है जो कि दिल्ली में है, पुरानी दिल्ली में है, और रेड फोर्ट है ये। सो मैनी टाउन्स वर ऑल्सो फॉर्म्ड वेन डिफरेंट विलेजेस केम टुगेदर। कुछ टाउन्स कैसे बने, जब बहुत सारे जो गांव थे वो एक साथ आ गए। द फॉर्मेशन ऑफ सच टाउन्स नीडेड द कंसेंट ऑफ द रूलर्स। और अगर ये टाउन्स बनते थे तो रूलर की परमिशन चाहिए होती थी कि हम बना सकते हैं टाउन या नहीं। पीपल फ्रॉम अदर प्लेसेस वर यूजली मेड टू सेटल डाउन इन दिस टाउन्स, आइदर बाय ऑफरिंग कंसेशंस और बाय फोर्स। तो ये जो लोग थे आसपास के, उन्हें बोला जाता था कि आपको इन टाउन्स में रहना है, विलेजेस ज्वाइन करते थे तो बोला जाता था या फिर फोर्स से या फिर अपनी मर्जी से, ठीक है, आपको इन टाउन्स में रहना है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल हु मेड अप सच टाउन्स इंक्लूड रूलर्स, नोबिलिटी, शॉपकीपर्स, बैंकर्स, मनी लेंडर्स, क्राफ्ट पीपल, हकीम, स्कॉलर्स, आर्टिशंस एक्सेट्रा। नोबिलिटी, शॉपकीपर्स जो दुकान रखते थे, मनी लेंडर्स जो मनी देते थे लोगों को, क्राफ्ट पीपल जो कि जैसे टेक्सटाइल वगैरह प्रोड्यूस करते थे, हकीम, स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट, इन लोगों ने ये ऐसे टाउन्स बनाए थे जहाँ पे लोगों को फोर्सफुली रहने के लिए बोला जाता था।
दीज वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल इन ईच टाउन. ये जो हाउसेज बनाए जाते थे, बहुत सारे ग्रुप होते थे, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल होते थे, और हर लोगों जो जिस हिसाब से वो लोग होते थे उस हिसाब से उनके घर बनाए जाते थे, और हर टाउन में ऐसा ही कुछ सिस्टम था. ओके, सो दिस इज़ दी लास्ट, दिस इज़ दी फर्स्ट वीडियो, वी हैव कम्प्लीट है. हम कुछ नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा और कवर अप करेंगे ओके इस चैप्टर को. थैंक यू.